जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में गैंगरेप केस के 3 आरोपियों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर सिर्फ गैंगरेप का केस दर्ज है, जो 2021 में दर्ज हुआ था। पुलिस का मानना है कि गिरोह बनाकर तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। 30 जून को कोतवाल तुलसीराम पांडे की तहरीर पर बड़ागांव गेट बाहर निवासी पुष्पेंद्र कुशवाहा उर्फ गोलू, हर्ष दीवान और विशाल यादव पर कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस ने आटा तिराहा से तीनों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का लीडर पुष्पेंद्र कुशवाहा है। शहर की 23 साल की लड़की ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 3 साल पहले उसकी दोस्ती पुष्पेंद्र कुशवाहा से हुई थी। 1 साल पहले यौन संबंध बनाकर धोखे से अश्लील वीडियो बना लिया, जो ब्लैकमेल के लिए अपने साथी विशाल यादव को दे दिया। किसी प्रकार से पुष्पेंद्र को शिकायत करने पर वे विशाल से बच पाई, लेकिन 27 जून 2021 को पुष्पेंद्र ने वीडियो वायरल की धमकी देकर उसे एक पैलेस में बुलाया, फिर रेप किया। बाथरूम में पहले से छुपकर बैठा हर्ष दीवान कमरे में आ गया, दोनों ने वीडियो बना लिया। 30 जून को मैसेज कर फिर बुलाया, तब पुलिस ने पकड़ लिया था। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट।